गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आज हम क्लास जो है एट्थ का एक्सरसाइज नंबर 2.4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2.4 2.5, तो चलते हैं। इसमें 2.4 दिया गया है, टू डिजिट द डिजिट ऑफ द टू डिजिट्स नंबर आफ्टर बाय थ्री, मतलब डिफर बाय थ्री है। एंड इफ द डिजिट आर द इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग द नंबर is added to the original number, we get 143, and what can the original number। फिर से देखिए ये कह रहा है कि the digits of the two digit number differ by three, मतलब दो digit number कितने differ by three का उसमें difference है। अगर उनको interchange कर दिया जाए तो result क्या हो जाए, 143, तो number क्या होगा। देखिए वेरी सिंपल, लेट यूनिट प्लेस पे एक्स हैं, टेंथ प्लेस पे एक्स प्लस थ्री है, क्योंकि दोनों के बीच में थ्री का डिफर है, मीन्स एक दोनों में अंतर जो है तीन का है। ओरिजिनल डिजिट क्या होगा, टेंथ प्लेस। देखिए यहाँ पे टेंथ प्लेस पे क्या हो जाएगा, टेंथ प्लेस पे है ना, तो ये टेन एक्स प्लस यूनिट प्लेस वन, तो टेन वन या टेन, टेन थ्री या थर्टी एक्स, तो कितना हुआ, टेन और वन अलेवन प्लस थ्री। इसको मैंने कहा इंटरचेंज कर दिया तो न्यू नंबर क्या हुआ, मतलब ये टेन की जगह आ गया, ये यूनिट की जगह गया, तो टेन और एक्स प्लस थ्री, तो टेन वन अलेवन एक्स प्लस थ्री। दोनों को जोड़ने पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दोनों को ऐड करने पे, सम करने पे, व्हाट वी गेट, 143। नाउ व्हेन वी पुट हियर ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, देन व्हाट वी गेट, 143। When we add it, 22x plus 33 is equal to 143 is equal to, क्या करेंगे हम, 22x is equal to, यहाँ पे माइनस 143 कर दिए तो 110 डिवाइड किए 5 है, तो दी वैल्यू ऑफ, दिया गया ना द वैल्यू ऑफ x पुट इन दिस, मतलब x यूनिट प्लेस पे क्या है कि x आया, और 10 प्लेस पे x प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8, तो इसका जो नंबर्स है वह क्या बनेगा, क्योंकि 10 प्लेस पे 8 है और यूनिट प्लेस पे 5, तो 85 नंबर हुआ। बेटा एक बार इसका जो है आप लोग वीडियोस रिपीट कर लीजिएगा। तो इसी तरीके क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस नंबर टू नंबर द डिजिट नंबर एंड द रिजल्टिंग नंबर टू बी द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। बहुत सिंपल है कि आप देखिए इसमें लेट यूनिट प्लेस पे एक्स है और टेन प्लेस पे थ्री टाइम्स है, तो थ्री एक्स हो गया। इसको देखिए, इसको टेन प्लेस पे कर दी, इसको यूनिट प्लेस पे, टेन थ्री या थर्टी प्लस एक्स बार 31, फिर न्यू नंबर है टेन एक्स प्लस थ्री, तो टेन वन या टेन प्लस थ्री एक्स, फिर 13 हो गया। दोनों को ऐड करने पे 88 आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब 88 आएगा आप करेंगे 44/88, यहाँ 2 आया, तो जो ओरिजिनल नंबर 31 मीन्स 31 × 2 बराबर 62 आया, यही ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था। ये बहुत सिंपल है, अब आप लोग कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे 10 है और ये इंटरचेंज किया, तो ये इसके स्थान पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 10 और 3 13, फिर दोनों को ऐड करने पे 88 आ रहा है। क्वेश्चंस में दिया, सॉल्व करने पे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगा ओरिजिनल नंबर, देखिए ये ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, 31 × 2, तो 62 आ जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आनंदी थिंक अ नंबर एंड द एज सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8 एंड सी मल्टीप्लाईज द रिजल्ट बाई 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर एंड सी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। बहुत सरल है, देखिए इसमें लिखा लेट, इन्होंने क्या नंबर थिंक किए एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें से 5 सेपरेट करने पे 8 से मल्टीप्लाई करने पे 3 टाइम्स वो नंबर मिलता है, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40 और 3x। इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड ले आएंगे हम, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे 8 − 3, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में था तो माइनस में, 8 में से 5 3 सेपरेट करेंगे 5, अब 5 8 = 8 आया, ठीक है। तो नंबर क्या था, 8 था। 4 दिया गया है, अर्जुन इज द ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया 5 years ago एंड हिज एज वाज द 3 टाइम्स एंड श्रेयाज एज
फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मान लीजिए अर्जुन का और श्रेयास का जो एज है, तो देखिए लेट श्रेयास एज कितना है, श्रेयास एज विल बी एक्स ईयर और अर्जुन एज विल बी टू एक्स। अब फाइव ईयर अगो तो क्या होगा, श्रेयास एज एक्स माइनस फाइव और अर्जुन का टू एक्स माइनस, देखो वो एगो, देखिए एगो होगा तो माइनस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो आपका ये दिया गया है अर्जुन का और श्रेया का, इनमें थ्री टाइम्स हो जाएगा इक्वल करेंगे, तो अगर आफ्टर फाइव ईयर तो क्या करेंगे, टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्री एक्स माइनस। सीधे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अर्जुन है वह श्रेया से मतलब थ्री टाइम है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या किया, तो देखिए थ्री थ्री फाइव फिफ्टीन, इधर देखिए इसको इस साइड ले गए और इसको इस साइड, देखिए माइनस फाइव ये आएगा प्लस फिफ्टीन हो गया, टू एक्स माइनस थ्री तो टेन गया, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स बराबर टेन है, तो श्रेयास इज टेन ईयर और अर्जुन इज टू इंटू टेन बराबर ट्वेंटी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर आपका फाइव है, हरीज मदर प्रेजेंट एज इज सिक्स टाइम द हरीज प्रेजेंट एज, हरीज इज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी वन थर्ड ऑफ हीज मदर प्रेजेंट मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब आप हीज मतलब उनकी जो है वन थर्ड ऑफ हीज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। देखिए बहुत सिंपल है, लेट प्रेजेंट एज कितना है, लेट हरीज एज कितना है एक्स ईयर और मदर्स एज कितना है हरीज का सिक्स एक्स। फाइव ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स हरीज का एज एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, तो वो अपने मदर को वन बाई थ्री होगा और ये कितना होगा फाइव नाउ, तो टू थ्री या टू एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव, इधर आया टू एक्स नो एक्स बराबर फाइव, तो ये फाइव ईयर हुआ, तो हरीज एज फाइव ईयर एंड मदर्स एज सिक्स इंटू फाइव मीन्स सिक्स फाइव या थर्टी ईयर्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से आप जो है ये कर लीजिएगा, सिक्स और सेवन कर लीजिएगा, मैं एट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एलेवन इज टू फोर है, एट द रेट ऑफ द हंड्रेड पर मीटर है, हंड्रेड पर मीटर है यहाँ पे, इफ द कॉस्ट ऑफ इतने हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लॉट। बहुत सिंपल है, देखिए पर मीटर होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया गया है लेट लेंथ एलेवन है और ब्रेथ फोर ईयर है, तो इसके बीच में एट द रेट ऑफ हंड्रेड पर मीटर है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से, सेवन फिफ्टी मीटर आ गया। अब पेरीमीटर बराबर टू एल प्लस बी, यहाँ सेवन हंड्रेड फिफ्टी इक्वल टू एलेवन प्लस फोर बराबर फिफ्टीन, तो किया थर्टी, सो फिर जब थर्टी से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फाइव आया गया, एक्स की वैल्यू कितना आया ट्वेंटी फाइव आया। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे हम, कि एल इक्वल टू एलेवन इंटू ट्वेंटी फाइव बराबर टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव, बी इक्वल टू फोर एक्स इंटू फोर इंटू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड आएगा। उसमें क्या दिया था, एरिया दिया था, जबकि एरिया नहीं हो। अब इसके बाद यहाँ पे टू पॉइंट फाइव दिया गया है, इसमें अलग अलग करके दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स बाई टू माइनस थ्री एक्स एंड फोर प्लस फाइव बाई सिक्स एंड इक्वल टू ट्वेंटी। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बाई टू माइनस थ्री एक्स बाई फोर प्लस फाइव बाई, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया ट्वेल्व आया, तो क्या मल्टीप्लाई करें टू से, सिक्स से ऊपर नीचे कितना कर देंगे ट्वेल्व हो जाए थ्री, थ्री तो थ्री ऊपर भी करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे ट्वेल्व हो जाए सिक्स, टू जा तो टू जा ऊपर, तो सिक्स वन जा सिक्स एक्स, थ्री थ्री जा नाइन एक्स एंड फाइव टू जा टेन एक्स, तो टेन और सिक्स सिक्सटीन और माइनस नाइन इक्वल टू ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेल्व, मतलब यहाँ पे सिक्सटीन माइनस नाइन अपॉन ट्वेल्व तो कितना हुआ सेवन बाई ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी वन। जब भी करेंगे बेटा तो ये क्या होगा ट्वेल्व ऊपर हो जाएगा, सेवन रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, तो सेवन थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री या कितना हो गया थर्टी सिक्स, तो यहाँ पे क्या आया आंसर थर्टी सिक्स आया। इसका बी पार्ट दिया है एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे फाइव एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे थ्री एक्स माइनस थ्री, फाइव एक्स फाइव पर ट्वेंटी फाइव, थ्री एक्स माइनस नाइन। अब इसको इस साइड ले आओ सभी को और इसको नंबर को इस साइड ले आओ, तो फाइव एक्स माइनस थ्री इसको माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, टू एक्स बराबर सिक्सटीन, तो डिवाइड करेंगे एक्स बराबर एट आया। तो यहाँ पे क्या है आप चेक भी कर सकते हैं, उसमें चेक करने के लिए दिया है चेक योर सेल्फ, तो ये आप मैं एक दिखा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको सोल्यूशन ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दीजिए,
एट माइनस फाइव बाई थ्री, तो थ्री अपान थ्री इक्वल टू वन आए, इधर भी एट माइनस फाइव बाई अपान फाइव, तो डिवाइड करेंगे वन इज टू वन। अब सी में दिया गया एक्स प्लस सेवन माइनस एट एक्स बाई थ्री इक्वल टू सेवनटीन एक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं एक तरफ कॉन्स्टेंट अदर साइड, तो देखिए एक्स माइनस एट बाई थ्री, फिर माइनस है तो प्लस फाइव बाई सेवनटीन बाई सिक्स माइनस सेवन बाई, एल सी एम लिए सिक्स, तो सिक्स वन जै सिक्स एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री जै सिक्स, तो एट टू जै सिक्सटीन, यहाँ क्या करेंगे सिक्स हो जाए थ्री, और थ्री फाइव जै फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस सिक्स कितना हुआ ट्वेंटी वन माइनस सिक्सटीन बराबर ट्वेंटी फाइव। अब देखिए ये माइनस ट्वेंटी फाइव सेपरेट किए, और ये माइनस सिक्स सिक्स डिनोमिनेटर में अगर सेम रहता बच्चों तो ये कट जाएगा, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस ट्वेंटी फाइव है, ये देखिए ट्वेंटी वन में सिक्सटीन सेपरेट करेंगे फाइव, तो ट्वेंटी फाइव आया, जब डिवाइड करेंगे फाइव से फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव, तो एक्स बराबर फाइव आया। इसको क्या करिए आप लोग बार बार जो है प्रैक्टिस करिए। अब देखिए इसमें बी में सी मैंने बता दिया, अब मैंने यहाँ पे एफ बता रहा हूँ, सिक्स इन ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस फाइव माइनस टेन एक्स माइनस टू इक्वल टू फाइव, फाइव एक्स माइनस सेवन। अब देखिए मैंने क्या किया, सिक्स थ्री जै टेन, सिक्स फाइव थर्टी, टेन वन जै टेन माइनस माइनस प्लस टेन टू टेन टू जै ट्वेंटी, फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव सेवन जै थर्टी फाइव। अब देखिए बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया गया है एटीन में से टेन सेपरेट करेंगे, तो एट एट एक्स आया ट्वेंटी, अब प्लस थर्टी फिफ्टी हो गया, ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी फाइव। अब देखिए क्वेश्चन को एक तरफ और वेरिएबल्स को अदर तरफ कर देंगे, सॉरी इसको मैंने इसको इस साइड ले आया और इसको इसको अदर साइड ले गया एट को, तो देखिए फिफ्टी प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस एट, तो यहाँ पे एट्टी फाइव इक्वल टू सेवनटीन एक्स, डिवाइड किए सेवनटीन फाइव जा एट्टी फाइव, तो ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसी में आई नंबर, आई में भी वही चीज़ दिया गया है, तो आई में ये कह रहा है टू एक्स माइनस थ्री अपान फोर माइनस टू एक्स माइनस वन अपान टू इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई थ्री, तो टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू, टू एक्स माइनस वन बाई फोर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे फोर हो जाएगा, तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, यहाँ देखिए टू से ऊपर नीचे तभी फोर होगा, और यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पे करेंगे टू एक्स माइनस थ्री और माइनस, यहाँ पे टू टू जा फोर एक्स माइनस माइनस प्लस टू बाई फोर, यहाँ पे यही हुआ। फिर देखिए फोर में से टू और फोर में से टू सेपरेट करेंगे माइनस टू, और थ्री में से टू सेपरेट करेंगे माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे थ्री टू एक्स माइनस वन, यहाँ पे फोर एक्स माइनस टू, थ्री टू या सिक्स माइनस थ्री, फोर एक्स फोर, फोर टू या एट, तो इधर ले आओ सबको, ये माइनस में हो, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो थ्री प्लस एट इजक्ल टू फोर प्लस सिक्स कितना हुआ टेन, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया फाइव, तो एक्स बराबर फाइव बाई टेन, तो डिवाइड कर दिए कितना आया वन अपान टू आया। नेक्स्ट देखें बाकी बेटे जितने भी पार्ट्स हैं आप ऐसे कर लीजिएगा। अब इसके लास्ट एक्सरसाइज 2.6, देखिए 2.6 में ज़्यादा वो है नहीं, बस दो तीन क्वेश्चंस हैं और इट इज़ द वेरी सिंपल। देखिए इसको फर्स्ट पार्ट का हम जो है फर्स्ट एंड सेकंड कराते हैं, तो फर्स्ट देखिए 3x माइनस वन 2x प्लस वन इक्वल टू वन, तो इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर, ये तो 3x माइनस वन और यहाँ पाया टू एक्स प्लस टू, तो देखिए ये थ्री है इधर ले जाए, देखिए इसको इस साइड ले जाओगे इसको इस साइड ले आओगे, तो देखिए थ्री में से टू सेपरेट करेंगे, यहाँ टू और माइनस है तो यहाँ प्लस हो गए, तो एक्स बराबर थ्री आया। इसी तरीके से ये भी है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखिए फाइव से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और थ्री से इधर मल्टीप्लाई, टू से इधर, देखिए फाइव थ्री जो फिफ्टीन, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव, टू टू जो फोर एक्स, सेवन टू जो फोरटीन, यहाँ 15 में से 4 सेपरेट करेंगे और 14 में से 25, तो कितना माइनस 11, 11 वन जा 11 तो माइनस 1 आया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए इसमें दिया गया है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर द इन द रेशियो, जो अनु और राज का जो रेशियो है 4:5 है, 8 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियोज देयर एज विल बी 5:6, फाइंड द देयर प्रेजेंट एज। मान लीजिए लेट इनको इनका जो प्रेजेंट एज है वह कितना है बेटा, लेट प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और ठीक अनु और राज
4:5, तो अनु का कितना 4, राशि कितना हुआ 8। ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स इसमें भी प्लस कर देंगे, देखिए तो अनु का क्या करेंगे 4x+8 हो जाएगा और राज का कितना हो जाएगा 5x+8। अब ये करा कि इनका जो है तब 5:6 हो जाएगा, तो 4x बन 5x+8 कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर तो 6 4x+8 5 5x+8, तो 6 4 24x, 8 6 48 प्लस यहाँ करेंगे 5 5 25 प्लस 5 8 40, तो क्या करेंगे इसमें आपको ले जाइए उस साइड, तो क्या हो 25 -4 = x, 48 - 4 = 8 आती है, x बराबर 8 ईयर आता है। अनुज का कितना हो 4 8 = 32 ईयर और राज का कितना हो 5 8 = 40 ईयर्स। बेटा इसी तरीके क्वेश्चन नंबर ये है, डायमेंशन है, आप लोग कर लीजिएगा, वेरी सिंपल। यहाँ पे दिया गया डिनोमिनेटर रेशनल नंबर, देखिए डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, इट्स न्यूमिनेटर बाय 7, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो एक एक्स हो जाएगा एक्स हो जाएगा यहाँ पे x+7 हो जाएगा। दूसरा है कि यदि नंबर्स इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, और 1 डिक्रीज कर लेते हैं, अगर सपोज दैट इनका कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर में अगर इंक्रीज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में अगर एक डिक्रीज कर लेते हैं, तो वह 5/3 आएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आ जाएगा बेटा, तो यह आएगा x+20 / x+6 = 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यह चैप्टर फिनिश हुआ, आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग एक बार कर लीजिए।